अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे चित्रकूट में डकैतों का खौफ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी, निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गर्जेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर। आ गया है अब वो आपके घर, समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने करेगा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उनका क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चित्रकूट में डाकुओं का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ। वक्त बेवक्त कुछ ऐसी वारदातें अंजाम देते हैं जो स्थानीय जनता के लिए खौफ का सबब बनती है, क्योंकि एक बार फिर इन्हीं खूंखार डकैतों ने एक युवक को मुखबिर बताकर मौत की नींद सुला दिया। चित्रकूट में काफी लंबे समय तक आतंक मचाने वाले गैंग ददुआ, ठोकिया और रागिया जैसे गिरोह ने जो दहशत पैदा की उससे सब वाकिफ हैं। लोगों के जहन में अभी दहशत कम नहीं हुई थी कि बेखौफ बलखड़िया गैंग ने अपनी दस्तक दे दी। लोग हैरान हैं कि बलखड़िया गैंग का दुस्साहस इतना कैसे बढ़ गया, क्यों बेखौफ हो गया बलखड़िया गैंग। चित्रकूट के बिहड़ों में 6.5 लाख का इनामी दस्यु स्वदेश पटेल उर्फ बलखड़िया का कहर आतंक बनकर टूटने लगा है। गैंग का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि चाहे जितना भीड़ वाला क्षेत्र हो, वारदात करनी है तो बस करनी है। चित्रकूट की करवी कोतवाली के कोही ग्राम पंचायत के प्रधान छक्की लाल पटेल के घर शादी समारोह में शिरकत करने आए कल्लू पटेल उर्फ हरी शंकर पटेल, उसके 15 वर्षीय पुत्र रमेश को गैंग ने गोलियों से भून डाला, जिसमें कल्लू पटेल की घटना स्थल पर मौत हो गई और उसके बेटे की हालत गंभीर है। बदमाश आए, उनको पीना तो नहीं है। जी, कितने लोग? 3 आदमी आए मौके पर। इसको तो खत्म हो गया था, यही मतलब कल भी यही खत्म हो गया। तो क्या किस लिए आए? कोई दुश्मनी नहीं? दुश्मनी तो इसकी अब इसलिए होती है, गैंग से इसका कुछ मतलब बिगाड़ था। किस बात को लेकर गैंग से बिगाड़ था? अब ये असल पर कौन है रागिया जो मारा गया था, मृतक कल्लू पटेल मध्य प्रदेश के सतना जिले के लालापुर गांव का निवासी था। मृतक एमपी पुलिस के लिए मुखबरी का काम करता था और गत वर्ष बलखड़िया के सरगना रागिया उर्फ सुंदर पटेल की मुखबरी करके उसे मरवाने में सफल रहा था। उसी खुन्नस के चलते गैंग ने बदले की भावना से शादी के दिन प्रधान के घर दावत में आए कल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस इस घटना की जाँच कर रही है। कुछ हथियारबंद लोग अज्ञात बदमाश आए,
उन्होंने कल्लू पटेल की गोली मार करके हत्या कर दी और उसके पुत्र रमेश को भी गोली लगी है। अभी तक बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किन कारणों से और क्या रंजिश विवाद मृतक और बदमाशों के बीच थी, इस संबंध में और छानबीन की जा रही है। चित्रकूट के भीड़ों से डाकुओं के आतंक का खात्मा प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर रह गया है। बलखड़िया गैंग जघन्य अपराधों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती पेश कर रहा है। अब्दुल मोबीन, चित्रकूट, समाचार प्लस। फैजाबाद का थाना महाराजगंज, थाने की घंटी गनगनाई, बिना वक्त गवाए पुलिस ने मौकाए वारदात पर दस्तक दी। हर तरफ सनसनी फैली थी और एक लड़की की लाश खून से तरबतर खेत के अंदर पड़ी थी। पुलिस के लिए अब सिर दर्द इस बात का था कि कातिल कौन है और क्यों वारदात अंजाम दी गई। गांव वालों के साथ पुलिस के मुलाजिम खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। दहशत की सच्चाई आपके जहन को झकझोर सकती है, क्योंकि जिस तरफ लोगों की नजर गढ़ी हुई है वो तस्वीर खौफ की एक वानगी है। कुछ देख रहे हैं, जमीन पर खून की तासीर अभी भी ताजा है। खून इस घर की लाडली का है जिसकी मौत पर पूरे गांव में सनसनी मची है। तस्वीर उसी 21 साल की लड़की गेंदा की है जिसकी हत्या थाने में रखे फावड़े से कर दी गई और हिरासत में लिया गया। ये परिवार जिस पर इल्जाम है कि झूठी शान की खातिर गेंदा की हत्या कर दी गई। अब लाश द्वार पर लाने की वजह से लग रहा जो खून मिले हैं द्वार से घर के अंदर तक मिले हैं। कत्ल की सनसनीखेज वारदात फैजाबाद के थाना महाराजगंज से ताल्लुक रखती है। गेंदा बनिया की बगिया गौड़ की निवासी थी। तारीख 28 मई 2013 सुबह के तकरीबन 4 बजे गांव वालों की चहल कदमी जब शुरू हुई तो कोहराम पर जाकर रुकी। खेत में खून से लथपथ गेंदा की लाश पड़ी थी। गेंदा के दोनों हाथ कटे हुए थे। गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। बिना वक्त गवाए गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी। इसको सूचना मिली थी कि पूरीदार क्षेत्र में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर छानबीन की गई तो पाया गया कि युवती जिसकी उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच में है, उसकी लाश छत-विच्छेद हालत में पड़ी थी। उसके गले को बहुत ही नृशंसता पूर्वक उसको काटा गया है, उसके हाथ भी काटे गए हैं और पुलिस ने इसकी जब छानबीन की है तो काफी महत्वपूर्ण सुराग पाए हैं। हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शक की बिनाह पर घर वालों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि मौकाए वारदात से लेकर गेंदा के घर तक खून की छींटे पुलिस के शक को और भी पुख्ता कर रही थी कि कत्ल की इबारत घर के किसी करीबी ने ही अंजाम दी है। खैर, फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और तफ्तीश में जुटी है कि आखिर कत्ल की वजह है क्या। मोहम्मद तनवीर, फैजाबाद, समाचार। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की, हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। सुपर टेक, योर्स फॉर लाइफ। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. So
इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। है बेखौफ उम्मीद का रंग। आस्था भी ये है मेरा उत्तराखंड। भड़काऊ भाषण मामले में बढ़ी वरुण गांधी की मुश्किलें, सरकार ने बरी किए जाने के खिलाफ दायर की याचिका। वाराणसी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 13,270 इंटरपास छात्रों को बांटे लैपटॉप, मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र के सभी वायदे पूरा करने का किया दावा। यूपी सरकार ने 18 लाख राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा, डीए में 8% का इजाफा, जून की तनख्वाह से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। रानीखेत में मुख्यमंत्री बहुगुणा ने विकास कार्यों का लिया जायजा, चौखटिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने की घोषणा, द्वाराहाट में पेयजल सुविधा दुरुस्त करने के दिए आदेश। लखनऊ में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात, कर सौंपा ज्ञापन, आतंकवाद के आरोपी खालिद के परिजनों को मुआवजा और तौकीर रजा को लाल बत्ती देने का कर रहे हैं विरोध। आतंक के आरोपी खालिद मुजाहिद के परिजनों ने ठुकराया सरकार का मुआवजा, कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव को 6 लाख का चेक के साथ लौटाया वापस। यूपी के गृह सचिव और डीजीपी का गैर जिम्मेदाराना बयान, पुलिस की जानकारी और याददाश्त पर उठाए सवाल। अलीगढ़ कचहरी में दिन दहाड़े फायरिंग, पेशी के लिए आए 3 लोगों को मारी गोली, एक की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। फैजाबाद में अयोध्या के पास NH-28 पर हुई एम्बुलेंस और ट्रक में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल, एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का बयान, आईपीएल के दौरान कई शहरों में लगे सट्टे, कई और खिलाड़ियों की भूमिका की जांच कर रही है एसटीएफ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को जापान के सम्राट आकी हितो से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों और परस्पर हितों के मुद्दे पर चर्चा की। द्विपक्षीय रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत जापान को एशिया में स्थिरता और शांति के लिए एक स्वाभाविक भागीदार के तौर पर देखता है। इस क्षेत्र में भारत और जापान को बड़ी ताकतों में शामिल बताते हुए
मनमोहन सिंह ने कहा कि शांति, स्थिरता और सहयोग का माहौल बनाना तथा सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक आधार तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान से हमारे रिश्ते न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि हम जापान को प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से जुड़े